हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल क्यूक स्टडीज में। और आज पढ़ेंगे हम गोवा के बारे में। गोवा 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 के बारे में हमें महाभारत में भी जानकारी मिलती है। और महाभारत में जानकारी मिलती है कि गोवा है वो गाय चराने वालों का देश है। गोवा क्या है? गाय चराने वालों का देश है। अब बात करते हैं 1312 ईस्वी में। 1312 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत है वो गोवा पे अधिकार कर लेती है। कब अधिकार करती है गोवा पे? 1312 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत गोवा पे अधिकार कर लेती है। उसके बाद बीजापुर के शासक आदिल शाह गोवा पे अधिकार कर लेते हैं और अपनी दूसरी राजधानी गोवा को बना लेते हैं। अब आगे बात करें तो 1510 ईस्वी की 1510 ईस्वी के अंदर अल्फांसो डी एल्बुकर्क तेमिया की सहायता से गोवा पे अधिकार कर लेता है। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी एल्बुकर्क है वो तेमिया की सहायता से गोवा पे अधिकार कर लेता है। और ये अल्फांसो डी एल्बुकर्क है ये पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है भारत में। कौन है? अल्फांसो डी एल्बुकर्क है। अब पुर्तगालियों की बात कर ही रहे हैं तो यूरोपियन जो थे जो भारत में सबसे पहले आए वो पुर्तगाली थे और जो सबसे बाद में जाते हैं वो भी पुर्तगाली हैं। अब बात करते हैं 1498 ईस्वी की 1498 ईस्वी के अंदर वास्को डिगामा भारत आता है जो सबसे पहले केरला में आता है। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आता है जो केरला के अंदर आता है। और इस तरह पुर्तगालियों का आगमन भारत में होता है। अगर आप लोग चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आगे बात करें तो 1510 ईस्वी के बाद 450 साल तक कितने साल 450 साल तक पुर्तगालियों ने गोवा पे अपना शासन रखा। और अब बात करें तो 1843 ईस्वी में इसकी बात करें 1843 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पणजी को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? पणजी को 1843 ईस्वी में। और पुर्तगालियों ने ओल्ड गोवा बसाया जिसका नाम रखा गोवा वेला। उसका नाम क्या रखा? ओल्ड गोवा या पुर्तगाली लैंग्वेज में बोले तो गोवा वेला इसका नाम रखा पुर्तगालियों ने। और 1213 में दिल्ली सल्तनत ने किया था 450 साल तक ये पुर्तगालियों ने शासन किया है। 1843 में पुर्तगालियों ने पणजी राजधानी बनाई और पुर्तगालियों ने ओल्ड गोवा बसाया जिसका नाम गोवा वेला रखा। आप चाहो तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब बात करें आगे तो 1947 में भारत आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत आजाद होने के बाद भी पुर्तगालियों का गोवा दमन और दीव इन तीन क्षेत्रों पे पुर्तगालियों का शासन था। तो भारत सरकार ने क्या किया 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। उसका क्या नाम था? ऑपरेशन विजय।
इसके तहत भारत सरकार ने गोवा दमन द्वीप पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया तो फिर उसके बाद गोवा को, अब इंपॉर्टेंट डेट है एक, 30 मई महत्वपूर्ण तारीख मान लो 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? 25वां राज्य। 30 मई 1987 को गोवा को भारत का राज्य बना दिया गया और दमन व दीव है यानी केंद्र शासित प्रदेश ही रहे हो। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे बात करें, ये तो इसका गठन हो गया 30 मई 1987 को। अब जो 1987 है वो एक महत्वपूर्ण तारीख मैंने बताया आपको। इसमें गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन तीनों का गठन है वो 1987 में हुआ है। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको, गर्मी, तो जी से गोवा, ए आर से अरुणाचल प्रदेश और एम आई से मिजोरम है। अब एक बात और ध्यान में रखो तो 56वां संविधान संशोधन हुआ, 56वां संविधान संशोधन था वो 1987 में हो। इसके तहत ही गोवा में दो जिले बनाए गए 56वां संविधान संशोधन के तहत। एक था उत्तरी भाग गोवा और एक था दक्षिणी भाग गोवा। तो दो जिले बनाए गए। ये बात है 1987 की बात है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनका गठन हुआ। इनको याद रखने की ट्रिक गर्मी है, 56वां संविधान संशोधन है उसके तहत गोवा में दो जिले बनाए गए जिन्हें उत्तरी भाग गोवा और दक्षिणी भाग गोवा है। एक बार इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे बात करें तो आप गोवा की राजधानी के बारे में बात करते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। सबसे बड़ा शहर सबसे बड़ा शहर की बात करें तो वास्को द गामा है। वास्को द गामा गोवा का सबसे बड़ा शहर है। अब आगे बात करें तो ये जनसंख्या के बारे में बात करें, जनसंख्या 14,58,545 यहाँ की जनसंख्या है। यहाँ की जनसंख्या क्या है? 14,58,545 यहाँ की जनसंख्या। घनत्व की बात कर लेते हैं तो यहाँ का घनत्व है वो 394 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। अब घनत्व की बात कर ली तो अब यहाँ के क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हो, क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात हो गई। ये बात हो रही है तो इसकी लिटरेसी और साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता की बात करें तो वह 79.31% इसकी लिटरेसी है। ये बात हो गई। राजधानी पणजी है, सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है, जनसंख्या 14,58,545 है, घनत्व की बात करते हैं तो 394 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की बात करें तो 3702 किलोमीटर स्क्वायर है और साक्षरता की बात करें तो 79.31% यहाँ की साक्षरता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये बात होगी इसकी लिटरेसी वगैरह की। अब बात करते हैं आगे इसके सीएम की या मुख्यमंत्री, वो हैं प्रमोद सावंत। यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं जो गवर्नर हैं
वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और बात करें तो यहाँ का उच्च न्यायालय, न्यायालय की उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो मुंबई उच्च न्यायालय है। मुंबई उच्च न्यायालय। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, न्यायाधीश की बात करें तो न्यायाधीश हैं अपने दीपांकर दत्ता। तो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, सीएम प्रमोद सावंत, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय लगता है, और मुख्य न्यायाधीश की बात करें दीपांकर दत्ता हैं। अब जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो हैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल है? महाराष्ट्र के राज्यपाल है, लेकिन इन्हें अतिरिक्त भार दिया गया है गोवा का। अगर हम बात करें गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो गोवा के पहले राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे। मलिक, सत्यपाल मलिक ये यहाँ के राज्यपाल थे। अब सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बना दिया। कहां का राज्यपाल बना दिया? मेघालय का राज्यपाल बना दिया। और ये सत्यपाल मलिक है पहले जम्मू कश्मीर के थे, तो इनकी घटना कहां से शुरू होती है? जम्मू कश्मीर से। इनकी जो यात्रा होती है जम्मू कश्मीर से गोवा, और गोवा के बाद अब मेघालय का इन्हें राज्यपाल बना दिया। किन्हें बना दिया गया है? सत्यपाल मलिक को। आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं यहां की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों के बारे में। तो गोवा की लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, और विधानसभा सीट की बात करें तो वो है 40। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की बात करें तो वह है 40। लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1, और विधानसभा की 40 सीटें हैं। अब आगे बात करें हम यहाँ की नदियों के बारे में। नदियां, तो नदियां हैं मांडवी यहाँ की नदी है, साल और एक है जुवारी। तो यहाँ की मुख्य नदियां कौन सी हैं? मांडवी है, साल है और जुवारी है। अगर बात करें मांडवी नदी की तो वो है 77 किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में? 77 किलोमीटर में है। और ये 2 भागों में बंटती है, 52 किलोमीटर गोवा में और 29 किलोमीटर है वो कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। 52 किलोमीटर गोवा में है और 29 किलोमीटर है वो कर्नाटक में। और मांडवी नदी के किनारे ही अपना पणजी बसा हुआ है। पणजी कहाँ बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे ही पणजी बसा हुआ है। ये बात हो गई इसकी राजधानी की, या नदियों के बारे में, सॉरी, ये बात हो गई नदियों के बारे में। अब आगे बात करें तो बंदरगाह है मरगांव है, यहाँ बंदरगाह है। अगर बीच की बात करें, खूब सारे बीच हैं यहाँ पर। मीरामार बीच है यहाँ, पणजी बीच है। आगे बात करें कोरुगुट बीच है। ये यहाँ के मुख्य बीच हैं, मीरामार, पणजी, कोलवा बीच और कोरुगट बीच, ये यहाँ के मुख्य बीच हैं। अब आगे बात करें तो गोवा है वो अपन मैप में देखें, भारत के मैप में, तो इस तरह से बसा हुआ है।
सो गोवा यहां पड़ता है, गुजरात यहां पड़ता है, और यहां महाराष्ट्र है, और यहां कर्नाटक। तो जो गुजरात से जो केरल, आगे केरल है, तो गुजरात से जो केरल का तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। क्या नाम बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। और जो गोवा का समुद्री तट है वो 101 किलोमीटर में है। कितने किलोमीटर में? 101 किलोमीटर। इसको तट को बोलते हैं कोंकण तट। तो यहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कोंकणी। तो यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? कोंकणी है। अब अगर आगे बात करें, कोंकणी यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अगर बात करें यहां पर जो लोग रहते हैं उनमें 65% हिंदू है, 2 नंबर पे ईसाई है। तो इस हिसाब से इनका फेस्टिवल भी आता है, तो उत्सव है इनके, उसका नाम है गोवा कार्निवल। गोवा कार्निवल यहाँ का फेस्टिवल है जो लोग मनाते हैं। और आगे बात करें तो यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थल या मंदिरों की बात करें, तो मंदिर में है श्री कामाक्षी मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है, महा हल्का, और रामनाथ मंदिर है यहाँ का। ये मंदिर यहाँ के प्रमुख है। अगर रामनाथ मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है, तो आप याद भी रख सकते हो, तो श्री राम नाम से याद रख सकते हैं, श्री से श्री कामाक्षी, राम से रामनाथ, और मै से महालक्ष्मी। ये यहाँ के प्रमुख मंदिर है। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब आगे बात करें गोवा में, तो उद्योग धंधों की बात करते हैं, तो बात करते हैं यहाँ के उद्योग धंधों की। तो उद्योग धंधों में मेन है पर्यटन। पर्यटन से गोवा को खूब पैसे आते हैं। तो भारत का सबसे अमीर राज्य है, वो गोवा है। और इसकी जीडीपी की बात करें, प्रति व्यक्ति जीडीपी आए है वो भारत से 3 गुना ज्यादा है। अब जीडीपी की बात कर रहे हैं तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा है। और जनसंख्या में बात करें तो सबसे छोटा चौथे स्थान पे गोवा है जनसंख्या में। ये बात हो गई इनकी जीडीपी और जनसंख्या के बारे में। अब आगे बात करें इनके हवाई अड्डे हैं, वो है डेबोलिम हवाई अड्डा है। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो वह है वास्को द गामा। और ये वास्को द गामा शहर है गोवा के अंदर, ये दक्षिणी गोवा के अंदर है, और ये वास्को डी गामा के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अब आगे बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों में गोंडला राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कोटीगाओ राष्ट्रीय उद्यान, और मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान। और एक राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको खासकर याद रखना है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। ये डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है, ये अपने जम्मू कश्मीर में भी है। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और गोवा, दो जगह,
और ये डॉक्टर सलीम अली या प्रावन प्रेमी व्यक्ति थे। ये बात हो गई, अपनी महत्वपूर्ण बातें हो गई गोवा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।